झांसी में कमिश्नर डॉक्टर अजय शंकर पांडे की पहल से जेडीए ने 110 करोड़ की 25 एकड़ भूमि सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवा ली। बारी पुलिस बल बेतवा बिहार कॉलोनी के पास गुरुवार की सुबह पहुंचा, जहां कब्जाधारियों ने पहले विरोध किया, लेकिन पुलिस फोर्स देकर सभी शांत हो गए। मामला 2005 से पेंडिंग पड़ा हुआ था। 2005 में कुशवाहा परिवार से झांसी विकास प्राधिकरण ने इस जमीन को अधिग्रहण किया था और मुआवजा भी दिया था, लेकिन कुशवाहा परिवार जमीन खाली नहीं कर रहा था। लगातार मुकदमेबाजी हो रही थी। इसी बीच जेडीए ने कई बार खाली कराने का प्रयास भी किया, लेकिन जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई। और इस बीच झांसी कमिश्नर डॉक्टर अजय शंकर पांडे और जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश दीक्षित ने पहल करते हुए प्रशासनिक टीम को पूरी जानकारी दी और जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया। देखिए, आप सभी अवगत हैं, उत्तर प्रदेश शासन की भूमाफियाओं के खिलाफ छेड़े गए अभियान और अवैध कब्जे को लेकर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसी के क्रम में झांसी जनपद में थाना सीपरी बाजार के अंतर्गत झांसी विकास प्राधिकरण की भूमि, ये हाईवे है आपका, हाईवे से किनारी लगी हुई बेतवा कॉलोनी की भूमि थी, जो पूर्व से ही अधिग्रहित थी जेडीए के पास में, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा, दबंग व्यक्तियों द्वारा इसको अवैध रूप से कब्जा नहीं छोड़ा गया था, जिसके क्रम में लगातार इनको नोटिस भी दिए गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।